ईसीपी के अंदर सबने फाइल किया हुआ है, अपने केसेस लेकर गए हुए हैं, लातादाद केसेस हैं इस वक्त ईसीपी में। और ईसीपी की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन केसेस के ऊपर जल्द अज जल्द 180 दिन के अंदर फैसले दें। ये कोई इमरान खान भीख में नहीं मांग रहे जो स्टोलन मैंडेट है, ये ईसीपी से जायज़ अपना हक मांग रहे हैं कि आपको पता है कि ये चोरी करदा मैंडेट है और इसको वापस किया जाए। और कहते हैं जब स्टोलन मैंडेट वापस होगा और उससे पहले आपको जो नाजायज़ लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं और जो बेल के ऊपर भी हैं और जिनके ऊपर नाव नहीं के आपने केसेस बनाए हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जब ये केसेस को जब हवा लगेगी, जब ये लोगों के सामने आएंगे 9 मई के, क्योंकि हमारा केस अदालत में कल हम लाहौर की ATC में थे और हमारी अदालत ने केसेस शुरू कर दिए हैं, उन्होंने सुनना शुरू कर दिए बेल एप्लीकेशंस। और उसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश हुआ है तो उसके पास कोई शवाहद नहीं थे। जज साहब ने भी पूछा कि आपके कोई शवाहद हैं, उनके पास कोई शवाहद नहीं थे उनको दिखाने के लिए। और इमरान खान ने यही कहा है कि जो CCTV फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएँ। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें CCTV फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा PTI का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आपको पता है कि ये PTI के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफ़ी का फ़ैसला कर लिया है कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया, लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नज़र आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा। एक तो ये क्लियर हो गया सबको। दूसरा उन्होंने कहा है कि तोशाखाना जो केस चल रहा है इमरान खान पे, और जज साहब को बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी जल्दी से जल्द फैसला किया जाए। वो कहते हैं जी मेरा भी और नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही। जज साहब को मैं कहता हूँ कि दोनों केस इकट्ठे चला दें। ये वो केस है जिसके अंदर इलीगली नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली थी, जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ये इजाज़त नहीं है। तो अगर उन्होंने गाड़ी ली है, उनका केस 12 साल से ये जज साहिबान नहीं सुन सक रहे, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक और केस करें मेरे पर, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों केसेस इकट्ठे सुने। ये दो पैगाम थे इमरान खान के, मैंने आपको पहुँचा दिया। अच्छा हलीमा खान साहब, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगे, और DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, तो दोनों तरफ से एक दूसरे को कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, इमरान खान ने कहा है कि आप CCTV फुटेज ले आएँ, कोर्ट में पेश करें, और अगर कोई भी PTI का आपको मेम्बर नज़र आए जिसने तंसीबात के ऊपर आग लगाई है, या कोई जो उन्होंने अगर उन्होंने यही कहा है ना कि आग लगाई है, तो अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और आप उसको सख्त सज़ा दे दें, ये उन्होंने कह दिया इसके ऊपर। तो मैंडेट की आप बात करिए, 6 महीने हो गए हैं इलेक्शन को भी, अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहे कि आपको आपकी सीटें भी मिलेंगी या मैंडेट मिलेगा, तो कैसे ये? देखिए, ECP की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, पर अगर ECP का जो हेड कर रहे हैं अगर उसको ये नहीं समझ आ रही कि उसकी आइनी जिम्मेदारियाँ ये और उसको पूरी करनी चाहिए, अगर वो नहीं पूरी करता तो Article 6 इनके ऊपर लगता है, तो अगर वो अपनी पूरी कर ले तो बेहतर है। और ये केसेस आपको पता है कि कितने गए हुए हैं ECP में, ट्राइब्यूनल्स के आगे गए हुए हैं, तो उनको फैसला करना चाहिए, स्टोलन मैंडेट वापस करना चाहिए, और जब वापस हो जाएगा, इमरान खान कह रहे हैं, फिर बेहतर होगा
इसी जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी दोबारा मुंतखब होगी और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करा लें।